आज हम चर्चा कर रहे हैं कि पीला पुखराज किस तरीके से आपको लाभ करा सकता है, कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। पंडित जी, किन लोगों को पीला पुखराज धारण करना चाहिए और किन को धारण करने से बचना चाहिए? वैसे तो प्रवीण जी, किसी की कुंडली देख करके और बृहस्पति की स्थिति देख करके ज़्यादा अच्छा बताया जा सकता है कि पुखराज पहने या ना पहने। फिर भी हम आपको सामान्य रूप से एक जानकारी देते हैं, जिस जानकारी के हिसाब से मोटे तौर पे आप समझ पाएंगे कि आपको पुखराज पहनना है या नहीं पहनना है। मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक, धनु और मीन लग्न, याद रखिए लग्न की बात कर रहे हैं, इस लग्न के लोग पीला पुखराज सामान्यतः पहन सकते हैं। वृषभ लग्न, तुला लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न के लोग पीला पुखराज धारण ना करें, इनके लिए पीला पुखराज नकारात्मक होगा। मिथुन लग्न और कन्या लग्न के लोग विशेष स्थितियों में, विशेष दशाओं में पीला पुखराज पहन सकते हैं। पीले पुखराज के साथ मोती पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आप पीला पुखराज पहनने जा रहे हैं तो आप सलाह ले लें कि क्या मैं इसके साथ मोती भी पहन लूं, और अगर आप पीले पुखराज के साथ मोती पहने तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन पुखराज के साथ गोमेद यानी हेसोनाइट, जो राहु का रत्न है, ये कभी मत पहनिएगा। पीले पुखराज के साथ गोमेद पहनना सबसे ज़्यादा बुरा होता है। तो भूल कर भी आप पीले पुखराज के साथ गोमेद ना पहने, पुखराज के साथ मोती, मूंगा और माणिक के धारण करना हमेशा बेहतर होता है। आज हम बात कर रहे हैं पीले पुखराज की। पीला पुखराज किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, पंडित जी ने बहुत विस्तार में समझाया। पंडित जी, ये पीला पुखराज है तो किस तरह के लोगों को ज़्यादा फायदा पहुँचाता है, तो और वो अगर पीला पुखराज धारण कर रहे हैं तो उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, पीला पुखराज आप जब भी पहनने जा रहे हैं, पहले तो कुंडली जरूर दिखा लें कि आपको सूट करेगा या नहीं करेगा, नुकसान तो नहीं करेगा। देखिए, पीला पुखराज अगर आपको सूट करता है तो आप जरूर पहनिए। महिलाओं के लिए पीला पुखराज सबसे ज़्यादा शुभ होता है। अगर उनको सूट करे तो उनके वैवाहिक जीवन, उनका संतान पक्ष, उनका करियर अकेला बृहस्पति हैंडल करता है। पुखराज पहनने से सुधार महिलाओं के जीवन में जरूर होता है, लेकिन चेक करने के बाद ही पहनिएगा। दूसरा, जो लोग धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, अगर उनकी कुंडली में पीला पुखराज सूटेबल है तो उन्हें पीला पुखराज पहनना चाहिए। पीला पुखराज पहनने से धार्मिक मामलों में और आध्यात्मिक मामलों में सफलता की संभावनाएं बहुत होती हैं। इसीलिए आप पहले चेक कर लें पीला पुखराज फायदा करेगा या नहीं, और अगर करेगा तो धार्मिक मामले में, आध्यात्मिक मामले में, पारिवारिक जीवन में, संतान के मामले में और निरंतर धन आने के मामले में पुखराज पहनने से आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि घर में शनि देव की पूजा नहीं करनी चाहिए? अगर पूजा घर में शनि देव की कर ली तो क्या परेशानी होगी? देखिए प्रवीण जी, शनि देव की पूजा आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, लेकिन शनि देव का चित्र रखना या शनि देव की मूर्ति रखना ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। शनि की दृष्टि विनाशकारी होती है, इसीलिए शनि का चित्र जिसमें उनकी दृष्टि हो उसके सामने बैठेंगे नुकसान होगा। शनि की मूर्ति जिसमें उनकी आंखें हों उसके सामने पूजा करेंगे नुकसान होगा। तो मुख्यतः बात यह है
कि शनि का मंत्र, शनि का ध्यान मंत्र, शनि की स्तुति, ये सब आप अपने घर में जरूर कर सकते हैं, लेकिन शनि की मूर्ति या चित्र आप अपने घर में बिल्कुल ना रखें, उससे आपको नुकसान होगा। अब मान लिया आपने शनि चालीसा रखी है अपने घर में पढ़ने के लिए और उसके ऊपर शनि का चित्र बना हुआ है, तो उसके ऊपर कवर चढ़ा दीजिए और कवर चढ़ा के उसको रखिए। शनि के चित्र और मूर्ति को किसी भी तरीके से घर में रखना उचित नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।